चल रही है, ये योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए और जो उसकी उसी वजह से वोट दिया महिलाओं। अरे पैसे की बात नहीं है भैया, वो पैसे दे रहे हैं, मगर उनका अच्छा था नेचर, हर चीज अच्छे अच्छे थे। जो ये सब मार काट, ये सब बलात्कार, ये सब जो हो रहे थे, उनकी बीजेपी के आने से बहुत बेनिफिट हुआ। लोग कह रहे हैं कि बहनाओं को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, अगली बार भी बीजेपी आएगी। आपको ये नहीं लगता कि धोखा हुआ आपके साथ? पैसे मिले हैं। लेडीजे हर बात अपने पति से नहीं बताती हैं। हाँ, बोल देंगे हमें, हाँ आप जाएंगे वहाँ उल्टा करके आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो आपने मामा को वोट दिया है? हाँ, सरकार को और अच्छी से अच्छी योजनाएं इसी तरह से चलती रहेंगी तो बीजेपी आगे बढ़ सकती है। नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है? अभी तो देखिए, अभी नए मुख्यमंत्री जी से तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, अब आए हैं, अब उनके आने के बाद अब देखते कितनी वो इसकी में आगे बढ़ा सकते हैं, कितनी चला सकते हैं और कितनी वो वोट अगली सरकार बनाने के लिए कितना कुछ आगे से आगे कर सकते, तब पता चलेगा कि कितना काम करेंगे। बोल रहे हैं कि बहनाओं की आंख में आंसू है, मामा नहीं आए, धोखा मिल गया। नहीं नहीं, देखिए, सबने वोट यही सोच के दिया था, जितनी महिलाओं ने यही सोच के दिया था कि हमारे हिसाब से शिवराज जी आएंगे, क्योंकि वो सबके सुख दुख और सब सारे किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, जितने लोगों की सबकी समस्याएं सुनते थे और उनपे अमल भी करते थे, तो उस हिसाब से उनको आना चाहिए, तो सबने ये नहीं सोचा था। क्या लग रहा है कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं वो भैया की जगह ले पाएंगे? अब अभी तो देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनकी जगह कोई ले पाएगा। अब आए हैं तो अब उनको कुछ दिन देखना पड़ेगा, मतलब कि कैसे क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ फीडबैक दे सकते हैं। लाडली बहना नहीं जिताया है, लेकिन जी, सारी महिलाओं ने इसीलिए दी है कि जो ये योजनाएं चल रही है, ये योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए और जो उसकी इसी वजह से वोट दिया महिलाओं ने। सिर्फ योजनाओं से प्यार है मामा जी? नहीं, मामा जी की योजनाओं से नहीं, क्योंकि उनने इतनी सब सारे प्रदेश में जो ये सब मार काट, ये सब बलात्कार, ये सब जो हो रहे थे, उनकी बीजेपी के आने से बहुत बेनिफिट हुआ। हर चीज में लूट मार, ये सब जो हुए हैं, कांड होते हैं, जो आए दिन लेडीजों के साथ चैन स्केचिंग, ये स्केचिंग वगैरह होती है, इससे बीजेपी के आने से बहुत फर्क पड़ा है। तो अभी भी तो बीजेपी ही आया है? अभी भी बीजेपी आया है, मगर चैनल बदल, चेहरा बदल गया जी, चेहरा बदल गया। क्या जो लाडली बहनों को कहते हैं कि लाडली बहना ने मामा को जिताया है, तो क्या सिर्फ योजनाओं के चलते जिताया? नहीं, देखिए, इसमें लाडली बहनों का भर सहयोग नहीं, इसमें भाइयों का भी सहयोग है और बहनों का, सबका सहयोग है। लेकिन लाडली बहनाएं तो रो रही हैं, आंखों में आंसू है। देखिए, अब जब उन्होंने वोट दिया है, वो लोग इतने साल से शिवराज जी रहे और एकदम से अचानक पता चला कि वो नहीं आ रहे, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। मतलब हजम अभी नहीं हो पा रहा है जी? नहीं नहीं, हाँ ये बात तो सही है कि थोड़ा बहुत अभी हजम नहीं हो पा रहा, होगा धीरे धीरे सब संभल जाएगा, ये है। अच्छा, क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे? मोदी जी जी, ये तो पक्का आएंगे, बीजेपी जी जी मोदी जी ही आएंगे, बीजेपी ही जीतेगी जीतेगी जी।